ऐसे पूजा करके अगरबत्ती दो लगाते हैं, दो दिए लगाते हैं। अच्छा, सरसों के तेल के। इसमें चीनी है, इसमें तेल है सरसों का, इसमें घी है, इसमें पानी पीते हैं और दवाइयाँ। और यहाँ पर ये रोटी वगैरह बनाते हैं। और ये बर्तन पड़े हुए हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये बर्तन है और ये कूलर पड़ा हुआ है। इनके बिस्तरे हैं और ये बिस्तर हमारा सामान है। ये इनकी एक पेटी पड़ी हुई है और पेटी के ऊपर एक छोटी पेटी पड़ी हुई है। अभी पाकिस्तान में महंगाई है नहीं है ये बताएं? पाकिस्तान में बहुत महंगाई है, कान पकड़ते हैं पाकिस्तान से। फ्रेंड्स, पानी का ड्रम है और इनका बाथरूम है। इसके बच्चे हैं लेकिन ये स्कूल नहीं भेज रहे, ये कह रहे हैं कि हम खुद कमाएं या बच्चों को भेजे स्कूल। बी फार्म के 5000 रुपए मांगते हैं। सही है। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका भाई फिर से एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हो गया। तो फ्रेंड्स, आज हमारे हुए एक गरीब घर है और ये भाई साहब खड़े हुए हैं, इनसे आपको इंटरव्यू करवाएंगे। और ये पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे हिंदू भाई हैं और बने इस वीडियो के साथ। और आपको इनका घर का विजिट करवाते हैं और इनसे हाल वाल लेते हैं, इनका रहना सहना कैसा है सब कुछ आपको ट्रेवल में बताएंगे बने इस वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हिंदू भाई है। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। कैसे हैं? तबीयत से ठीक है? सब ठीक है, भगवान की कृपा है। अच्छा, सुनाए यार, आपका नाम क्या है पहले तो? खेताराम भोपा। खेताराम भोपा, फतेहपुर का रहने वाला हूँ। ठीक है, फतेहपुर के रहने वाले। तो सुनाए, आपका रहना सहना कैसा है और कितना महीना कमा लेते हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं नहीं जाते सब कुछ बताएं। बच्चे स्कूल नहीं जाते, महीना क्या कमाते हैं, जितना कमाते हैं उससे तो दुगना खर्चा हो जाता है। ठीक है। और बच्चे क्या, वो तो मांगते हैं 5000 रुपया बेफार्म का, पहले ले आओ वो जमा कराओ फिर नाम दाखिला देंगे बच्चों का, नहीं तो स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। तो बहुत मुश्किल हो गई है। बहुत मुश्किल हो गई है। आपका रहना सहना कैसा है? बस रहना सहना ये देख लो, हमारे घर का हाल देख लो। तो फ्रेंड, ये जानवर किसके हैं? ये भी आदल के हुए हैं। आप काम क्या करते हैं? काम यही घास लेके आए, जिम्मेदारा किसी का खाला बनना, स्प्रे। तो दिहाड़ी करते हैं? दिहाड़ी करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये जानवर है, ये आदल पे लिए हुए हैं और ये इनका घर है, ये भी टूटा हुआ है पूरा। देखें, ये बाहर का सीन आपको नजर आ रहा है, ये फुल सीन आपको टूटा हुआ नजर आएगा क्योंकि अभी चार दीवारी क्यों नहीं की आपने? ऐसे ही हो तो चार दीवारी करें, खाना खाते हैं लून नहीं होता तो मिर्च मुक जाती है, जो चीज़ पत्ती ले आते हैं तो खंड चीनी मुक जाती है। ठीक हो गया, ये हालात है हमारा। चलो, भगवान भली करेंगे। अच्छा, बनाया हुआ है हमारा। ये मंदिर है आपका? ये रूपनाथ का मंदिर है। तो पूजा वगैरह कैसे करते हैं, ऑडियंस को बताएं आप पूजा कैसे करते हैं? पूजा करते हैं हम, ऐसे नमस्कार करते हैं, ये ऐसे ऊपर चढ़ जाते हैं, ये ऐसे बैठते हैं। ठीक है। ऐसे पूजा करके अगरबत्ती दो लगाते हैं, दो दिए लगाते हैं। अच्छा, सरसों के तेल के। और इधर गूगल भी पैसे आते हैं तो गूगल भी चलता है, गूगल धूप। गूगल धूप कहते हैं जिसको। इसमें आग लगाकर बस यहाँ से नमस्कार करते हैं। अच्छा, ये बताएं ये क्या चीज़ है? ये शादी में नहीं होता है वो, चुट्टिया। हाँ, वो माता का तिलशू। तिलशू? हाँ, माता का तिलशू। ये आपको किसके भगत है? रूपनाथ के हैं। रूपनाथ के भगत हैं। तो फ्रेंड्स, ये अभी देखें आपको हमने मंदिर दिखाया और ये अभी भाई अपने घर का विजिट करवाएंगे। तो यूँ कहें, आओ हम हमारा घर का तुमको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम इनके घर पे जा रहे हैं। ये गेट लगा हुआ है, ये फ्रेंड्स देखिए, लकड़ी का गेट लगा हुआ है, बस नॉर्मल टेम्परेरी गेट लगाया हुआ है बस अपने। और ये साइकिल खड़ी है मेरी, पंचर हुई है, इसके टायर ट्यूब भी नहीं है, हालात बहुत ख़राब हुए पड़े हैं। फ्रेंड्स, ये देखें, ये इनका घर गुजारा है। और ये देखें, एक छोटा सा एक छपरा बनाया हुआ है इन्होंने, ये भी बस छाँव के लिए एक छपरा बनाया हुआ है। ये रोटियों का किचन है, ये देखो किचन, किचन देखो ऐसा बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं ये चूल्हे और यहाँ पर ये रोटी वगैरह बनाते हैं। और ये बर्तन पड़े हुए हैं, ये देखें फ्रेंड्स, ये बर्तन है और ये कूलर पड़ा हुआ है। और ये देखें फ्रेंड्स, बस ये छोटा सा एक इन्होंने ना घर पे एक छोटा सा ना ये छत दी हुई है किचन पे, क्योंकि बच्चे वगैरह रोटी वगैरह बनाते हैं, धूप होती है। और फ्रेंड्स, ये इनका घर है, गरीब गुजारा। और सुनाए। तो फ्रेंड्स, ये इनका घर है खेताराम का और हम आपको ना घर में घर का विजिट करवाते हैं। ये देखो हमारे घर का हालात और ये हमारे बच्चे हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखें, ये इनका घर है। ये क्या रखा हुआ है? हमारे बच्चे हैं। ये इसमें चीनी है, इसमें तेल है सरसों का, इसमें घी है, इसमें पानी पीते हैं। और दवाइयाँ बच्चे हैं आपके? हाँ, ये दवाइयाँ देखें फ्रेंड्स, बहुत सी दवाइयाँ रखी हुई हैं इन्होंने। ये दवाइयाँ रखी हुई हैं, ये बच्चे बीमार हो जाते हैं तो लेके आते हैं हम, ये भी उधार ले आते हैं। उधार लेके आते हैं। और ये बिजली के बोर्ड वगैरह ऐसे क्यों लगाए हुए हैं आपने?
पैसे हो तो ये अच्छे आए, अच्छे वाले लगवाएं, सब ऐसा ही हाल है हमारा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर बिजली तो है लेकिन बिजली की ना सेफ्टी नहीं है, और ये इनका घर है। बारिश आती है पानी आता है? हाँ बहुत पानी आता है, इधर हम इस जगह पे आके सब इकट्ठा होकर बैठ जाते हैं, ठीक है, और सब पानी से ये पानी ऊपर से टपक रहा होता है। तो फ्रेंड्स ये देखें छत देखें आप, ये गरीब गुजारा किया हुआ है, यहाँ पर पानी के कतरे गिरते हैं जब बारिश आती है, कच्ची छत है इनकी। और इधर आए ये कौन है तस्वीर में, कौन है आप बताएं मुझे? ये मेरा भैया है बड़ा, ये अच्छा। मेरा पापा है, ये मेरी मम्मा है, और ये मेरा बेटा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये चेयर वगैरह टूटी हुई है सब। ये क्यों रखे हुए आपने ये ताकड़ी बटा? ये पहले मैं दुकान का काम करने शुरू लगा तो बस हालात ऐसे आ गए, खाने का सामान नहीं पूरा आ रहा, दुकान का क्या करें हम, दुकान का कैसे चलाएं हम दुकान। ठीक हो गया, आप दुकान मतलब खोल रहे थे लेकिन आपके पास पैसे नहीं है? हाँ, पैसा नहीं है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं इनके बिस्तरे हैं, और ये हमारा सामान है, ये इनकी एक पेटी पड़ी हुई है और पेटी के ऊपर एक छोटी पेटी पड़ी हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स ये पत्ती पड़ी है ऊपर, ये आटे वाला दूसरा है। कौन सा? आटे वाला तसला बोलता है। हाँ आटे वाला तसला। और ये क्या है ऊपर जो झोली बांधी हुई है? बस इसमें जो सूखी रोटी है उसको हम ऊपर रख देते हैं। अच्छा उस रोटी का क्या करते हैं? रोटी बेच कर कोई खाना वगैरह लेते हैं। अच्छा मतलब कोई दाल होगी। रोटी कैसे किलो चल रही है यहाँ? 50 रुपये किलो लेते हैं। 50 रुपये किलो। तो फ्रेंड्स ये कह रहे हैं कि हम जब रोटी बच जाती है तो फिर यहाँ से कोई रोटी वगैरह सूखी होती है वो इस झोली में डाल देते हैं, फिर वो सूख जाती है तो फिर वो आगे सेल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखें ये हमारे गरीब बच्चों के हालात है, और ये बच्चे इनके, और आपके बच्चे कितने? चार हैं। चार बच्चे हैं, तीन बेटियाँ एक बेटा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फ्रेंड्स इनकी तीन बेटे और मुझे हालात का बताएं कि अभी पाकिस्तान में महंगाई है नहीं है ये बताएं? पाकिस्तान में बहुत महंगाई है, कान पकड़ते हैं पाकिस्तान से, यकीन करो इतनी महंगाई है किसी मुल्क में नहीं है। ठीक है, गरीब गुजारा क्या करेगा बेचारा यार, क्या होगा कोई समझ में नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स के बच्चे हैं लेकिन ये स्कूल नहीं भेज रहे, ये कह रहा है कि हम खुद कमाएं या बच्चों को भेजे स्कूल। बेफार्म के 5,000 रुपये मांगते हैं। सही है, तो आप 5,000 उनको दें या बच्चों को खिलाएं? ठीक है, इसीलिए तो हम स्कूल नहीं भेज रहे इसको। ये देखिए फ्रेंड्स ये छोटा मोटा गोलू मोलू है, इसका नाम क्या है? हरेश कुमार। और इसका? इसका संधिया। और इसका? इसका नाम संधिया। इसका नाम वीरा और इसका नाम संधिया है। ठीक हो गया। और ये ड्रम क्यों रखा हुआ है? ये पानी का है, ये पानी भी हम वहाँ से फिल्टर से लेके आते हैं। कितने पैसे लेते हैं फिल्टर वाले? 20 रुपए लेते हैं, ये 20 किलो का है। 20 किलो मतलब 1 लीटर 1 रुपये का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा पानी सेल होता है वो 1 लीटर 1 रुपये का है, और ये फ्रेंड्स हमारे गरीब भाइयों के हालात हैं। ये हमारे हिंदू भाई हैं, ये फतेहपुर पंजाबिया में रहते हैं। तो फ्रेंड्स आप कुछ इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो हेल्प करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स ये अपना खेताराम है, इनकी हेल्प करें। खेताराम आप हमारी इमदाद कोई कर दें तो आपको बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी, नहीं तो आपको बहुत बहुत मेहरबानी ना करोगे तो भी। ठीक हो गया। तो फिर जिम्मेदार के आगे नौकरी करते हैं हम। नौकरी करते हैं, कितनी सैलरी देते हैं? कितनी सैलरी? जहाँ 500 होती है हमको 300 मिलता है, कोई देता भी नहीं है, क्या करें, टाइम पास करना है ना, किसी 100 रुपए में काम चला लेते हैं। ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताएं, ये आपका तो घर हमने दिखा लिया है, और आप मुझे ना अपनी दुकान दिखाएं जो आप दुकान बना रहे थे। तो फ्रेंड्स ये बेचारे अभी अपनी दुकान खोल रहे थे लेकिन इनका ना इतना हालात ख़राब हो गया था इसलिए इन्होंने दुकान नहीं बनाई, और अभी हम जा रहे हैं दुकान का विज़िट करवाएंगे आपको, और जा रहे हैं हम दुकान की साइड पर। ये भी बेचारे बस थोड़ा सा सर्कट चला रहे थे लेकिन इनका हालात ख़राब होने की वजह से इन्होंने दुकान आगे नहीं बढ़ाई। और फ्रेंड्स ये हमारा बाइक खड़ा हुआ है, हम आए हुए हैं फ्रेंड्स ये इस बाइक के पास व्लॉग बनाने के लिए। और ये देखिए फ्रेंड्स ये आपकी दुकान है? ये दुकान, ये बीच में क्यों छोड़ दिया आपने? ये ईटा मुक गई थी। अच्छी वजह से ये टूटे कहीं से मांग के ले आए। ठीक है, तो लगाएंगे, दीवारें बनेगी, खर्चा होगा थोड़ा सा, इसीलिए रोक दिए हमने दुकान। ठीक है। ये पानी का ड्रम है, ये फ्रेंड्स पानी का ड्रम है और इनका बाथरूम है, और बस क्या कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स इनका ना फुल ओपन माहौल है, आप देख सकते हैं ये हमारे सब हिंदू भाई रहते हैं इधर, ये यहाँ से शुरू होती है बस्ती और वहाँ तक ये हमारे सब हिंदू भाई हैं।
तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी तो फ्रेंड ये यहाँ पर दुकान का दरवाज़ा है, ये देखें, ये हमारे हैं केता भाई। तो आप जितने हो सके इनकी हेल्प करें, और मुझे उम्मीद है ये वीडियो वायरल होगी। आप बताएं वीडियो पर जाएगी नहीं जाएगी, क्या जाएगी? जाएगी जाएगी, अभी तो जाएगी ही जाएगी, ठीक, हालात देख के जाएगी जरूर। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आप बिल के बारे में कुछ बोल रहे थे, 2 महीने का बिल भी नहीं दिया है, आप मालूम नहीं ये मीटर काटेंगे या क्या? बिल कितना आ जाता है महीने में आपका? 1000 रुपए देते हैं सिर्फ, क्या है? अच्छा, तार लगाई हुई है, मीटर नहीं है आपके पास? तो फ्रेंड्स ये इन्होंने किसी के घर पे तार लगाई है, क्योंकि मीटर अभी 10-20-25 हज़ार का मीटर लग रहा है, गरीब लोग क्या करेंगे? तो इतना 20-20 एक पंखे का यहाँ पर पाकिस्तान में 20-20-30-20-20 हज़ार बिल आ रहा है, 10-10 हज़ार बिल आ रहा है, तो गरीब लोग क्या करेंगे? 2 महीने का बिल नहीं दिया, वो कहते हैं तार काटेंगे हम, तो फ्रेंड्स ये कह रहे हैं करके बैठे हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारे गरीब भाइयों के हालात। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय श्री राम, जय श्री राम।